मानी को सब मानी दिखते हैं और ज्ञानी को सब ज्ञानी दिखते हैं, इसलिए अपनी शक्ति मान कषाय के पोषण में नहीं उसे घटाने में लगाइए। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती स्पेशल उंधियो यानी मिक्स वेज की सब्जी। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। इसमें हम पंचभील के लिए जो दालें लेते हैं, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल और उड़द के छिलके वाली दाल, ये आप ले सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा के अनुसार है। वैसे हमें इसमें वेजिटेबल बहुत सारे डालेंगे, तो ये चाहें तो दालें भी डाल सकते हैं या फिर हम इसको अलग से भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने ये पंचभील दाल जैसे इसको धोकर अच्छी तरीके से हमने बॉईल करके रखी है और अब हम लेंगे सारी सब्जियां। तो सब्जियां भी आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो सब्जियां आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं कच्चे केले, मटर, बीन्स और बालोर की सब्जी लिए, जो बालोर फलियों वाली होती है वो लिए, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची लिए और बाकी हमारे मसाले। तो देखिए, मैंने थोड़े से तेल में सबसे पहले बीन्स को फ्राई कर लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है जिससे ये इसका कच्चापन भी निकल जाए और ये बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए, अभी हमने सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से धो के साफ किया है। आप देख रहे हो कि मैंने कैसे इसको लंबा लंबा कट किया है। अब हमने इसमें डाले हैं कच्चे केले, तो कच्चे केले को भी हम इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिससे ये थोड़े से अच्छे पक भी जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची। तो हमें शिमला मिर्ची को बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत जल्दी नरम हो जाती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे। अब देखिए, हमने मसालों में इसमें डालना है जीरा, सौंफ और अजवाइन। हम एक एक चम्मच इसको डालेंगे। अब मटर के दाने हम थोड़े से उबाल कर डालेंगे अलग से, जिससे ये चटकेंगे नहीं और उसका जो ग्रीन कलर है वो भी वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो हमने देखिए इसमें सारे मसाले डाल दिए। हमने इसमें नारियल जो होता है हमारा गीला नारियल, उसे हमने पीस करके डाला है। यदि आपके पास गीला नहीं है तो आप सूखे को भी डाल सकते हो, अच्छा लगेगा। और लाल मिर्ची की चटनी, जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्ची है उसकी हमने जो चटनी बनाई है वो डालेंगे। और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें इमली का पल्प। देखिए, इससे अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। या तो आप इसमें इमली की चटनी का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें पल्प डाल लें। हम इसमें एक चम्मच खांड शुगर भी डालेंगे, इसका टेस्ट खट्टी मीठी सब्जी में बहुत अच्छे से आता है। तो हम इसमें एक चम्मच खांड शुगर डालेंगे, उसका जो बूरा बना के रखा है। अब हम इसको चलाते रहेंगे और देखिए, सब्जियां मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से डालें, आपको जो डालना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारी थोड़ी थोड़ी सी अगर सब्जियां बच जाती है तो हम उनको इस तरीके से मिक्स करके भी बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच के करीब में गर्म मसाला डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, और या फिर अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा। और हमने इसमें आधी कटोरी के करीब मूंगफली के साबुत दाने डाले हैं, तो वो भी आप इसमें साथ में रोस्ट करते जाएं। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि दाल ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो आप एक कटोरी के करीब मिक्स दाल भी डाल सकते हैं। और देखिए, मैंने इसमें लौकी के मुठ्ठियाँ बनाए हैं और थोड़ा सा मटर का पेस्ट भी इसमें डाला है और सारे मसाले, पूरे जो नमकीन हम जैसे मसाले डालते हैं वो सारे आप मसाले डाल लीजिए। बस इसमें बेसन की जगह हमें गेहूं का आटा प्रयोग करना है, वरना हमारे मुठिया भजिए की तरह लगेंगे। तो हमने इसको कम तेल में बना लिया है। तो देखिए, मैंने उसी पैन में मुठिया बनाए हैं और उसी पैन में मैंने सारी सब्जियों को भी जो रोस्ट करके डाला था वो सब मैंने उसी में डाल दिया, जिससे अलग से हमारा तेल ना लगे। तो देखिए, हमने इसमें मूंगफली के दाने और तिल जो हमने थोड़ी सी दरदरी पीस के रखी है कूट के, वो भी हम डालेंगे इसमें करीब एक कप के करीब। इसमें जितना मूंगफली का दाने का टेस्ट है बहुत अच्छे से आता है। तो हम देखिए, अब स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे हम इसमें, और यदि आपको कश्मीरी लाल मिर्ची डालिए और अगर थोड़ा सा तीखा और खाना है तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, इसमें हमने सारे मसालों को जब हम पानी में घोल के और बघार में डालते हैं गरम तेल में, तो उसका स्वाद और उसकी तरी बहुत अच्छे से आती है। तो देखिए, हमने इस तरीके से सब डाल दिया। अब इसमें हम एक से डेढ़ कप के करीब पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से स्टीम करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लेना है, एक सीटी आने से भी पहले हम इसे बंद कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पहले से ही कुक हो चुकी है, तो इससे इसका कलर भी हमारा ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे से बनेगी। इसमें हमने ना तो हल्दी का यूज़ किया है ना सौंठ का यूज़ किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से घर में ज़रूर शुद्ध सब्ज़ी बना।
देखिए, हम अपने खाने योग्य कम हिंसा वाली सब्जियों को मिलाकर भी कम मसालों में भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हैं, जो बहुत ही हमने कम तेल में बनाई है। इस सब्जी में आप विशेषकर क्वांटिटी का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिलकर बहुत सारी हो जाती है। इसलिए आपको जितनी ज़रूरत है आप उतनी ही सब्जियां बनाएं, इसको मिक्स करें। जैनागम के अनुसार बनने वाली शुद्ध व्यंजन विधि का मुक्त कंठ से प्रचार प्रसार करें, सभी साधर्मियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चरणा नियोग के अनुसार शुद्ध व्यंजन विधि बनाने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।